दोस्तों, अनेक बार शरीर में एक छोटा सा काला सा तिल के जैसी एक दाना होता है और वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है और बढ़ते बढ़ते वो उसमें एक घाव जैसा बन जाता है और घाव के चारों तरफ एक बिल्कुल गोल सा घेरा या हेलो जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसको हम बेसिकली मिलेनोटिक अल्सर कहते हैं और ये मैलिग्नेंट मिलेनोमा होता है। मिलेनिन एक पिगमेंट है जैसा कि आप जानते हैं, जो कि स्किन में पाया जाता है, जिससे कि स्किन का एक जो पिगमेंटेशन होती है, ब्लैकिस जो कलर होता है वो बनता है। और ऐसे ही ये मिलेनोसाइट जो होती है, यानी कि मिलेनिन की जो कोशिकाएं होती है, वो एक स्थान पर एक ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसको हम मेलानोमा कहते हैं और ये अधिकांश केस में मैलिग्नेंट पाया जाता है। इसमें जब बहुत तेजी से वृद्धि करने के बाद एक घाव बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेलानोटिक अल्सर कहते हैं। यानी कि जो मेलानोमा के ऊपर बनने वाला एक अल्सर होता है और ये बहुत ही तेजी से फैलता है, सबसे बड़ी बात, और शरीर में अधिकांश जगहों पर फैलता है। जैसे कि बाकी हम अल्सर की, जैसे हमने रोडेंट अल्सर या बेसल सेल कार्सिनोमा की बात कही थी, वो फैलता नहीं है क्योंकि उसमें पहले ही लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाला अल्सर होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है अल्सरेटिव फॉर्म ऑफ मेलानोमा, यानी कि मेलानोमा जो है उसमें अल्सर हो जाने से ये फॉर्म होता है। इसको हम मेलानोटिक अल्सर कहते हैं, क्योंकि मेलानोमा से बनता है इसलिए इसको मेलानोटिक अल्सर कहा जाता है। यह पहले से उपस्थित प्रीवियस स्किन मॉल, स्किन में काले रंग का एक दाना या मस्से जैसा जो स्ट्रक्चर होती है, वो उस जगह पर ये बन सकता है, मतलब ऐसा उसमें संभव है। और ये बहुत ही एग्रेसिव स्किन ट्यूमर है बेसिकली, और अराइजिंग फ्रॉम मेलानोसाइट, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बाकी के जो भी इस प्रकार के मैलिग्नेंट लीजन होते हैं वो इतना तेजी से नहीं फैलते, लेकिन मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ये बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए इसमें बहुत शीघ्र ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसको एग्रेसिव स्किन ट्यूमर भी कहा जाता है। ऑब्वियसली यह पिगमेंटेड होता है, जहां पे भी होगा ये एक पिगमेंटेड होगा ब्लैक कलर का, और इसके चारों तरफ एक हेलो जैसे, जैसे सूर्य के चारों तरफ एक घेरा दिखाई देता है, उसी तरीके से एक हेलो जैसे यहाँ पे फील होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये रैपिडली ग्रोइंग है, बहुत तेजी से ग्रो करता है, और इसी कारण से इसके जो सैटेलाइट नोड्यूल्स हैं दूर के भाग में, जो छोटे छोटे नोड्यूल्स जहाँ पे भी ये मेटास्टेसिस करता है, वो फॉर्म हो जाते हैं। और केवल यही नहीं, बल्कि यह लिम्फ के माध्यम से और ब्लड के माध्यम से भी पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इसलिए जब लिम्फ के माध्यम से फैलता है तो ये स्प्रेड्स रैपिडली टू रीजनल लिम्फ नोड्स, जहां पे है उस क्षेत्र की जो लिम्फ नोड हैं, जो गांठ हैं लिम्फ, वो बढ़ जाती हैं और वहां पे ये डिपॉजिट्स हो जाता है। तो इसलिए ये रीजनल लिम्फ नोड्स में बहुत तेजी से फैलता है, और साथ ही साथ वेस्कुलर यानी कि ब्लड के द्वारा जो इसका स्प्रेड होगा वो लीवर को, लीवर में भी जा सकता है, लंग में भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है और बोन्स में भी जा सकता है। तो इसलिए ये अनेक ऑर्गन्स को, शरीर के अनेक अंगों को प्रभावित कर सकता है। तो इसी कारण से इसको हम सिस्टेमिक मैलिग्नेंट डिजीज कहते हैं, कि एक ऐसी मैलिग्नेंट डिजीज है जो पूरे बॉडी के सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेती है। और साथ ही साथ यह स्किन के अलावा म्यूकोजा, जेनिटेलिया और आई में भी पाया जाने वाला एक ट्यूमर है। तो अतः दोस्तों, यदि किसी पर्सन को इस प्रकार का एक काला कोई बॉडी में डॉट जैसे मॉल अगर कहीं दिखाई देता है और सडन उसमें ऐसी कोई चेंजेस आते हैं, तो हमें सबसे पहले तो उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे ब्लैक मॉल वैसे भी हो जाते हैं, जैसे नीवस है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, और मॉल हैं, ये पिगमेंटेड मॉल जिनको हम कहते हैं, वो भी बहुत सारे बन जाते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, उनमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन ये स्पेसिफिक होता है, यदि इस प्रकार का मेलानोमा या मैलिग्नेंट मेलानोमा कई बॉडी में दिखता है, तो उसको तुरंत ही एक्सीज, उसको ट्रीटमेंट प्रॉपरली किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।